जैसा आप सबने देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सारे प्रमुख चैनल कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं शिवानंद पाटिल, इनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और मैं वीडियो पे आऊं, जो नोटों की बारिश मंत्री शिवानंद पाटिल के ऊपर की जा रही है तेलंगाना में, उससे पहले एक बात कहूंगा कि अभी एक ही दिन पहले जब आईटी रेड हुई और कर्नाटका में एक कॉन्ट्रैक्टर के यहां से करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता है, तो जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया जी, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कुछ नेता कहते हैं जो कांग्रेस का आचरण रहा है राजनीतिक द्वेष, अब आज देखा गया कैसे लोकतंत्र में चुनाव जो हैं ये महापर्व हैं, और इसको प्रदूषित करने का कार्य अपनी काली कमाई से कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के मंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये जो कर्नाटका के मंत्री हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है बिना आला कमान के निर्देश के, बिना ये जनता को लूट के इस तरह से नोटों की वर्षा करे, बारिश करे। अब ये भी एक बात है कि आला कमान कौन, तो एक है स्थाई आला कमान गांधी परिवार, जिसने कर्नाटका को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा है। एटीएम से रुपया निकालो, जनता की जो गाड़ी कमाई है वो रुपया निकालो, और जहां जिस प्रदेश में चुनाव है वहां पे मंत्री जाके और चुनाव को लोकतंत्र को प्रदूषित करें उसी भ्रष्टाचार के रुपए से। अब ये भी तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब भ्रष्टाचारी मंत्री शिवानंद पाटिल से पूछा गया और बात आई कि आप ही है ना उस वीडियो में, तो उन्होंने स्वीकारा, हां मैं ही हूं, तो ये तथ्य तो प्रमाणित हो गया कि कर्नाटका के मंत्री जनता की गाड़ी कमाई लूटकर हैदराबाद जाते हैं, और उसके बाद जनता की सेवा तो कांग्रेस के डीएनए में है नहीं। वर्षा करवाते हैं अपने ऊपर नोटों की, तो ये पूछा जाना चाहिए आज कि अगर चुनाव तेलंगाना में है तो कर्नाटका के तीन मंत्री हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, ये भी पूछा जाना चाहिए। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी इस तरह का जो ओछा हल्का घटिया आचरण है मंत्री का, उसके साथ इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? और राहुल गांधी खुद जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी जी भी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, क्या यही वजह है कि गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचारी डीएनए है ये हर कांग्रेस के नेता के अंदर आज उबाल मार रहा है?
जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो आज पूरे भारत की जनता फर्क देख रही है। एक तरफ ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो जनता की सेवा करती है, और दूसरी तरफ महाभ्रष्टाचारी महापापी जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी। और जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी से उनके अध्यक्ष नील बट्टा सन्नाटा, राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, ये मौन स्वीकृति होती है। तुम प्रदेशों को लूटो, जनता को लूटो और धन की वर्षा करनी है तो गांधी परिवार पर करो, कुछ बच जाए तो अपने आप पे करो, लेकिन जनता की सेवा मत करो। ये जो रुपया है इसको लूटना और इसका इस्तेमाल गांधी परिवार के हित के लिए करना, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। और इस अधिकार की भावना को ध्वस्त कर देना काम है भारतीय जनता पार्टी का। और जो भारत की, कर्नाटका की, तेलंगाना की जनता चुनाव के जब परिणाम आएंगे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सूपड़ा साफ होगा इन भ्रष्टाचारियों का। और सूपड़ा चुनाव में साफ होगा, उसके अलावा ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री संवैधानिक पद पे बने रहें, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इनको तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा, कर्नाटका उन प्रदेशों में से है जो भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप उसको कांग्रेस का भ्रष्टाचारी एटीएम बनाओगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये पिछले दो दिन में एक उदाहरण है, और एक उदाहरण और है।